हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए कुछ नई हेयरस्टाइल लेकर आ गई हूँ। तो वो हेयरस्टाइल को आपको किस तरह से करना है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि वो हेयरस्टाइल को आप किस तरह से करोगे। यह हेयरस्टाइल बिल्कुल सिंपल है और ब्यूटीफुल भी है। तो आपको ये देखना है कि मैं हेयरस्टाइल किस तरह से बनाती हूँ। तो सबसे पहले आपको हेयर को कॉम करना है, उसके बाद आपको ये फ्रंट से, मुझे यहाँ पर फ्रंट में कोई ज्यादा ऐसा पफी लुक नहीं चाहिए, सिंपल सा लुक चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े से ही हेयर लेकर वो पार्टेशन को लॉक करूंगी। तो ये आप देख रहे हो कि मैं इस पार्टेशन को यहां पर लॉक कर रही हूं। मैं यहां पर वो पिन नहीं लगाऊंगी, मैं यहां पर रबर बैंड से ही उसको लॉक करूंगी क्योंकि मैंने यहां पर बन नहीं बनाया है। अच्छे से आपको लॉक करना है। ओके, तो ये आप देख रहे हो कि मैंने जो यहाँ पर फ्रंट के जो सेक्शन को लॉक किया है वो एकदम अच्छे से यहाँ टाइट करके लॉक कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पर अच्छे से उसको थोड़ा सा ही पुलिंग दूंगी, एकदम लाइट लाइट पुलिंग दूंगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि ये सारे जो हेयर है उसकी मैं पोनीटेल करूंगी। ये जो सारे हेयर है नीचे के उसको मैं यहाँ मिडल में पोनीटेल करूंगी। जहां पर मैंने ये बन का जो फ्रंट का लॉक किया था वहां पर ही मैं इसको लॉक करूंगी। आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है कि मैं किस तरह से पार्टीशन को ट्विस्ट करती हूँ और किस तरह से पार्टीशन को लॉक करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी पोनीटेल भी अच्छे से हो गई है। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो मेरी पोनीटेल है उसको मैं यहां से थोड़ा सा इस तरह से बन लुक को, जैसे बन क्रिएट होता है उसी ही सेक्शन में मैं यहाँ पर उसको लॉक करूंगी। देन लॉक मुझे यहाँ पर रबर बैंड से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रबर बैंड से ही उसको लॉक करूंगी। आपको यहाँ पर लॉक भी अच्छी तरह से करना है, आपका सेक्शन वहां से निकल ना जाए उसका खास ख्याल रखना है। मैं यहां से उसको लॉक करूंगी। ओके, तो मैंने यहाँ पर मेरा जो पार्टीशन को लॉक करना था बन के शेप में मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से यहाँ आपको पार्टीशन नहीं रखना है, एकदम लाइट पार्टीशन ही यहाँ पर रखना है और थोड़ा सा यहाँ से ब्रॉड करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने जो पार्टीशन लिया है उसको मैंने अच्छे से यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो हेयर बचे है यहाँ पर साइड में हेयर बचे है वहां से आपको चोटी बनानी है। यहां पर आप देख सकते हो एक एक सेक्शन को यहां से लेते जाना है। मैं यहां से एकदम पतला सा सेक्शन लेते जाऊंगी और हर सेक्शन को मैं ऐड करती जाऊंगी। आपको ये सारे हेयर की चोटी नहीं बनानी है, एकदम हाफ हेयर की चोटी बनानी है और लास्ट में जो हेयर बचते हैं उसका बन करके आपको ऊपर रखना है। यहाँ पर मैं अच्छे से पार्टीशन ले रही हूँ, किस तरह से ले रही हूँ
और कौन सी क्लिप्स में मैं उसको ऐड कर रही हूँ वो आपको खास ख्याल रखना है। पार्टीशन आपका एकदम सही होना चाहिए तो ही आपकी हेयर स्टाइल अच्छे से बन सकती है। आपको यहाँ पर राउंड में पार्टीशन लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेना है। ओके, तो मैंने यहाँ पर जितना मुझे पार्टीशन चाहिए था उतना पार्टीशन को मैंने यहाँ पर चोटी बना ली है ट्विस्ट करके। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो हेयर बचे हैं उसका मैं थोड़ा सा बन बना लूंगी बेकोमिंग करके। अगर आपके यहाँ पर रियल क्लाइंट होते तो उसके हेयर में बेकोमिंग करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं उसको लॉक कर दूंगी। ये जो सारे हेयर है उसको मैं यहाँ लॉक कर दूंगी। आपको ये हेयर लॉक करने हैं लेकिन राउंड शेप में लॉक नहीं करना है। पहले जो आपने वहां पर पार्टीशन रखा था उसको भी आपको यहाँ पर लॉक करना है। तो अच्छे से मैं यहाँ पर उसको लॉक कर रही हूँ। ये पार्टीशन को आपको थोड़ा ब्रॉड रखना है, एकदम छोटा नहीं करना है। अब जब भी बेकोमिंग करते हो तो थोड़ा ज्यादा बेकोमिंग करके उसको ब्रॉड बनाना है। सभी जगह से अच्छे से कवर हो जाए उतना आपको लॉक करना है। ये आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर अच्छे से उसको लॉक कर दिया है। यहाँ पर आप हेयर स्प्रे यूज करके भी उसको लॉक कर सकते हो। ओके, तो मेरे को जो यहाँ पर बन चाहिए था वो बन मैंने यहाँ पर कर दिया है। मैंने आपको बोला था कि आपको बन राउंड शेप में नहीं करना है, तो अब मैं क्या करूंगी कि ये जो हेयर है उसको मैं यहाँ पर लॉक करूंगी। ओके, तो ये ट्रिप आप देख रहे हो कि मैं किस तरह से उसे यहाँ लॉक कर रही हूँ। अच्छे से वेरिएशन आपको देते जाना है और लॉक करते जाना है। कोई भी वेरिएशन आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, उस तरह से आपको लॉक करना है। और ये जो छोटे हेयर बचते हैं उसको हम बन के अंदर ही ऐड कर देंगे। ओके, ये आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो बन बनाया है वो एकदम इजी ट्रिप है उसकी, और जल्दी से बन जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ओके, अब आपको क्या करना है कि हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा पुलिंग दे देना है, लाइट लाइट पुलिंग करना है। आपने ये जो पार्टीशन निकाला है उसमें लाइट लाइट यहाँ पर पुलिंग करना है। आपको अगर फ्लिप्स करनी हो तो आप फ्लिप्स भी कर सकते हो। तो ये जो हमारी हेयर स्टाइल है उसको आप देख सकते हो, यहाँ से एकदम ट्विस्ट से अच्छी ही ट्विस्ट आई है, और यहाँ पर हमारा जो पार्टीशन है वो भी अच्छे से यहाँ कवर हो गया है। तो ऐसे ही आप हेयर स्टाइल अपने घर पर बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप कोई भी क्लाइंट पर यह हेयर स्टाइल कर सकते हो। एकदम इजी ट्रिप है और एकदम ब्यूटीफुल भी है हेयर स्टाइल। तो आप ऐसे ही वीडियो मेरे साथ देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।